नमस्ते। आप लोगों के लिए वार्षिक राशिफल लेके आई हूँ वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए। सबसे पहले मैं 2021 के आप लोगों को बधाई शुभकामना दे दूं। आने वाला वर्ष जो है आपके लिए बहुत सक्सेस लेके आए, प्रोग्रेस, नेम, फेम, आपके सारे रुके हुए जो काम है वो कंप्लीट हों, जो भी तकलीफें रही हों आपकी 2020 में वो सारी दूर हों, ये सारी मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगी। और साथ में ये जरूर बोलूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ये वर्ष कैसे आपको परिणाम दे सकता है नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और साथ में अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इस बार जो स्थितियां बन रही हैं 2021 में, ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए, फाइनेंस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, आपके जो प्रेम संबंध वगैरह है, इन सबों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। और ये सारी चीजें जो प्रिडिक्शन होगी, जो इम्पोर्टेंट मेजर प्लैनेट्स हैं जो कि एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा। जो दूसरे प्लैनेट्स हैं गोचर में बहुत जल्दी जल्दी राशियों को मूव करके आगे निकल जाते हैं, उनको मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है। उसके लिए आप मेरे मंथली जो राशिफल होते हैं उनको देखिएगा, उससे आपको महीने की जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं उनकी क्या स्थिति है। जैसे कि अभी गुरु हैं और शनि हैं, ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और लगभग पूरे वर्ष शनि मकर में ही रहेंगे, लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो अप्रैल में मकर से निकल करके हो सकता है वो आगे बढ़े कुंभ राशि के लिए। तो वहां पे थोड़ा सा जो परिणाम होगा उसमें परिवर्तन आने के योग बनेंगे। और राहु केतु की जो स्थिति रहेगी वो पूरे वर्ष वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है ये आपके पूरे साल को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लैनेट राहु केतु, गुरु और शनि ही होते हैं जो कि अपना प्रभाव बहुत लंबा देते हैं। तो जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो स्थितियां हैं वर्ष के प्रारंभ में, क्योंकि अभी मंगल भी 24 दिसंबर 2020 को मीन से निकल करके मेष राशि में आ जाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा योग होगा। ये चूंकि आपके लग्न मंगल की है, वृश्चिक का भी स्वामी मंगल है और मंगल प्लैनेट मजबूत स्थिति में जा रहा है, तो इसका प्रभाव आपको भी देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष है, फिर भी वृश्चिक का स्वामी होने के कारण जब मंगल मजबूती लेके आएगा तो वो आपको भी उसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहूंगी कि जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो यहाँ पर शुरुआत में शनि और गुरु दोनों का ही गोचर आपके थर्ड हाउस में होगा, क्योंकि वहां पे मकर की राशि है। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु और शनि आपके पराक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, आपके कम्युनिकेशन को, इन सारी चीजों को बहुत स्ट्रांग करेंगे, जिससे आपका नए नए लोगों से संबंध बनेगा जो कि आपके लिए आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को, कार्यक्षेत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। तो पूरा जो शुरुआत है जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वहां स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आप जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे आप अपने काम को कर पाएंगे और परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। लेकिन अप्रैल के बाद जब गुरु आपके फोर्थ हाउस में आएंगे कुंभ राशि में, तो वहां से चीजें जो है थोड़ा सा बदलना शुरू होंगी और ये स्थिति आपकी रहेगी अप्रैल से लेकर के पूरे सेप्टेम्बर तक। तो कार्य तो आपके नहीं बाधित होंगे, लेकिन चूंकि गुरु का गोचर चौथे भाव से होगा तो चौथा भाव जो है वो आपके घर का है और घरेलू सुख का है, तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में कुछ आपके परिवार के अंदर इमोशनल इश्यूज आ जाएं, या जो आपके अंदर एक मजबूती पहले आप महसूस कर रहे होंगे जनवरी से लेकर के अप्रैल तक शुरुआत में, उसमें आपको थोड़ा सा एक परिवर्तन महसूस होगा। तो अगर आप अपने आप को इमोशनल लेवल पर बैलेंस कर पाएंगे, अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, तो जो सितंबर तक का टाइम है वो भी आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक ठाक निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे एक इम्बैलेंस जैसी स्थितियां निर्मित होंगी,
जब गुरु आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि वहां पे बैठ करके वो आपके कार्य क्षेत्र को उन्नति देने का काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई मेजर इश्यूज आएंगे, लेकिन हाँ फैमिली फ्रंट में ये हो सकता है कि कुछ इमोशनल या मेंटल चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। इसके बाद जो सैटर्न रहेंगे शनि आपके, वो भी आपके चूंकि थर्ड हाउस में रहेंगे, तो वहां से वो आपका जो संतान पक्ष है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और गुरु और शनि का जो कंबाइंड इफेक्ट रहेगा वो आपके भाग्य भाव के ऊपर जाएगा। तो अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ आपके लिए एजुकेशन से संबंधित जितनी चीजें रहेंगी, आपके पिता से संबंधित जितनी चीजें रहेंगी, आपके भाई बहन वगैरह से संबंधित, उन सारे क्षेत्रों में शुभता वाला परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो धन की स्थिति रहेगी, धन की स्थिति भी आपके अप्रैल तक सपोर्टिंग रहेगी, उसमें से कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद से जब गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो वहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे थोड़ी दिक्कतें देखने को मिले। और उसी पीरियड में ये भी संभावना बनेगी कि फॉरेन से संबंधित जो चीजें हैं वो भी कुछ घटनाएं आपके लाइफ में घट सकती हैं, तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिए, किसी तरह का आपका व्यापार है, बिजनेस है, उन चीजों के लिए। इसके अतिरिक्त जैसे ही प्रारंभ होगा साल का, तो ये आपके लिए धन की दृष्टि से और आपका जो बिजनेस रहेगा, जो आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर है, उस ओर से चीजें जो रहेंगी आपके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, इस तरह की स्थितियां भी निर्मित होंगी। और एक संभावना ये भी बनेगी कि जब वर्ष का प्रारंभ होगा, तो यहाँ पे आपको करीब फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, लगभग 21 फरवरी तक का टाइम, जनवरी से लेकर के पूरा और 21 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और विरोधियों के प्रति थोड़ा सा सजग होकर के, सचेत होकर के रहिएगा, उनसे किसी तरह का वाद विवाद या इस तरह की चीजें नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भाग्य वगैरह की आपकी वृद्धि रहेगी, तो उसका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी टाइम पीरियड जो जनवरी से लेकर के फरवरी तक का है, 21 फरवरी तक का, वो आपके सपोर्ट में जाने के ही योग बनेंगे। इसके बाद आपके करियर के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका प्रोफेशन रहेगा, जो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, वहां पे अप्रैल से लेकर के पूरा सितंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पे थोड़ा सा चीजें आपके लिए ऑब्स्टेकल के साथ या एक चुनौती वाला वातावरण आपको देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पीरियड पे आप थोड़ा पेशेंस लियो, बहुत एडजस्ट करते हुए चीजों को करिएगा। इसके बाद जो आप लोगों का संतान पक्ष रहेगा, संतान पक्ष देखिए लगभग पूरे वर्ष ही जो है संतान से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनमें एक शुभता का योग बना रहेगा, तो उस ओर से ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। संतान से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके लिए ठीक है। परिवार का सुख जो है वो भी आपके लिए पूरे वर्ष सही है, उसमें कोई मेजर दिक्कतें नहीं है। फिर विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपको मेहनत के साथ में सफलता मिलने के योग निर्मित होंगे, तो विद्यार्थी लोगों को बहुत ज्यादा अपने एफर्ट बहुत ज्यादा डालना है पढ़ाई के प्रति, तो ही आप उससे कुछ पॉजिटिव होप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए जो है मेहनत के साथ में चीजें आगे बढ़ेंगी। हेल्थ वगैरह जो रहेगी आपकी, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना है, और स्पेशली सितंबर अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें रहेंगी उसमें भी आपको एक केयर लेके केयर करके चलना पड़ेगा, और ये टाइम पीरियड जो आपका आएगा और उस पीरियड में आपको लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से संबंधित जो चीजें होंगी उसके प्रति भी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ये समय आपका रहेगा 21 फरवरी से लेकर के पूरा अप्रैल का जो 15-16 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, उस पीरियड में आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा सामंजस्य के साथ में रहिएगा, और साथ में आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका लग्न है और सप्तम भाव है ये राहु के 12वें पे है, आपके 7th हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, और जब 21 फरवरी के बाद वहां पे मंगल आएंगे तो मंगल राहु के साथ में मिलकर के अंगारक योग का निर्माण करेंगे, तो उससे ऐसी संभावना बन सकती है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है उससे किसी तरह का वाद विवाद, और ये जो संयोग बनेगा इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी आएगा, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफी केयरफुल रहिएगा और किसी से भी वाद विवाद या बहस जैसी चीजों से अपने आप को बचा के रखिएगा 21 फरवरी से लेकर के जो पूरा अप्रैल ही आप मान के चलिए।
इसके अतिरिक्त जो 2021 है आपके लिए, हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्टमेंट के साथ चलना है। करियर जो आपका रहेगा वो ओवरऑल कुल मिलाकर के स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, तो ऐसे कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। जो बहुत ज्यादा फेवरेबल टाइम रहेगा वो आपको वर्ष की शुरुआत से लेकर के जो अप्रैल का टाइम है, इस पीरियड में आप अपनी मैक्सिमम चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करिएगा और उसके बाद के समय में थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ में आप आगे बढ़िएगा। और अभी प्रेजेंट में जो आपके सूर्य हैं वो चूंकि द्वितीय भाव में है, धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो लगभग 14-15 जनवरी तक का जो टाइम रहेगा, 14-15 जनवरी 2020 तक का टाइम रहेगा, वहां पे आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से चीजें सपोर्ट में रहेंगी। और उसके बाद का जो 1 महीना का टाइम रहेगा, 14-15 जनवरी से लेकर के फरवरी का, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा मेहनत और प्रयास जो है वो बढ़ जाएगी, चीजें आपकी काफी मेहनत के बाद आपके पक्ष में जाएंगी। और एक संभावना ये भी बनेगी कि उसी टाइम पीरियड में आपको जो लोग एजुकेशन वगैरह से जुड़े हैं उस क्षेत्र में कोई अच्छी चीजें उनको देखने को मिल सकती हैं, या ये भी संभावना बन सकती है कि उनके पिता से संबंधित कोई शुभता वाली घटनाएं उस पीरियड में घट सकती हैं। इसके बाद जो फरवरी से लेकर मार्च तक का टाइम रहेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा अपने परिवार के अंदर की जो चीजें हैं उसके प्रति काफी केयरफुल होकर रहना चाहिए। वहां पे परिवार के अंदर अनावश्यक किसी तरह का वाद विवाद या कोई डिस्प्यूट जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, तो उसके प्रति आप लोगों को केयरफुल होकर रहना चाहिए। ये जो पूरा वर्ष है आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। जो सावधानी बरतनी है वो अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको सजग होकर रहना चाहिए, जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि इस वर्ष पूरा जो आपका लग्न और लाइफ पार्टनर का भाव है वो राहु केतु से प्रभावित है। तो जब भी लग्न और जीवन साथी का भाव राहु केतु जैसे प्लेनेट से के प्रभाव में आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिस्प्यूट या वैचारिक मतभेद देता है। हालांकि भाग्य की दृष्टि से या फाइनेंस वगैरह की दृष्टि से वो लाभ देने का भी काम करेगा, लेकिन चूंकि व्यक्तित्व तो सबसे पहले आता है, लग्न पहले आती है, तो उसके ऊपर किसी को पापी प्लेनेट का एस्पेक्ट आता है या इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, तो एक तकलीफ जैसी स्थितियां भी निर्मित होती हैं। तो आप के लिए मेरा यही सुझाव है कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करते हुए चीजों को मैनेज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रोफेशन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा आपका प्रभावित नहीं होगा। जितनी नेगेटिव चीजें आने की संभावना बनेगी वो आपके आपके स्वयं के ऊपर, आपका जो सोचने का तरीका है या जो जो आपका काम करने का तरीका है उन चीजों के ऊपर ज्यादा एक प्रभाव आ सकता है, तो उससे आप अपने आप को बचाइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को 2021 किस तरीके से प्रभाव दे सकता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। और साथ ही मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि ये जो प्रिडिक्शन है ये गोचर के ऊपर बेस्ड है, ग्रहों के ऊपर आधारित है, तो आप इसको बहुत सामान्य तरीके से लीजिएगा। जो आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की स्थिति होगी वही आपको वास्तविक और रिजल्ट क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। और हर महीने की क्या स्थिति होगी, हर महीने में किस तरह के संयोग बन सकते हैं, उसके लिए आप लोग जो मेरा मंथली प्रिडिक्शन होता है हर एक लग्न राशि के लिए उसको आप जरूर देखिएगा। और साथ में आप जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं आप प्रिडिक्शन को लग्न से भी देखा करिए और राशि से भी देखा करिए, तो उससे आपको काफी सटीक परिणाम मिल पाएंगे। और साथ में एक चीज और है कि कोई भी जो वर्ष होता है किसी भी लग्न या राशि के लिए वो ना तो पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है ना ही पूरी तरीके से नेगेटिव होता है। कुछ चीजें उसमें अच्छी रहेंगी और कुछ चीजें उसमें थोड़ी नेगेटिविटी लेके रहती हैं। तो करना ये है कि जो पॉजिटिव चीजें आपको सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स का उसका आप लाभ लीजिए, और जिस साइड से आपको थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है उस पक्ष में आप अपने आप को मैनेज एडजस्ट करते हुए और थोड़ा समझदारी के साथ में उस टाइम पीरियड को निकाल दीजिए। तो गुरु और शनि ये जो पूरा टाइम रहेगा आपका 2021 का, एक तो ये आपके पराक्रम को बहुत प्रभावित करेंगे, आपके एजुकेशन को, आपके भाग्य को, और जो आपका ओवरऑल इनकम है इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से
आपका फोकस रहने वाला है, क्योंकि यही मेजर प्लेनेट है। और आपका जो व्यापार है और आपका लाइफ पार्टनर, इन चार पांच भावों से संबंधित परिणाम आपको लगभग पूरे वर्ष देखने को मिलेंगे। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी 2021 के बारे में, किस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकता है। और 2021 के आप लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं, ये वर्ष आपको बहुत सक्सेस दे, नेम फेम दे। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।